करेंगे आइए। So this song is released under the label of Digya Music. So I want to invite Mr. Kamal Digya, the producer of Pallo Ladke, on stage. Kamal Digya is the liquor king from Delhi, Faridabad, and Digya Music is the brainchild. Digya Music is his brainchild. Though it is just 4 months old, Pallo Ladke is their 8th music video already. I would like to invite on stage the director of Pallo Ladke, Mr. Sound of Applause, please. Sahil Sandho is the biggest director in the Haryanvi music industry. He is also the director for the YouTube's highest viewed song, Bawan Gaj Ka Daman. I'm sure everybody has heard this song, right? So here we are for the celebration of Pallo Ladke. So what are we waiting for? Let's cut the cake, let's stir the birthday. Song sunenge pehle gana sunenge na pehle cake kaat lete solo bhi le lo chalo fatafat solo solo karte madam ek individual karte hai aap se madam se start karte hai yeah yeah yo the birthday celebration starts now. Maybe we can all sing it together for her, the birthday song. Chaliye. Bye bye. Bye. Thank you so much. You don't need it? Sorry.
आई थिंक इससे बेटर सेलिब्रेशन नहीं हो सकता था, डबल सेलिब्रेशन टुगेदर. इट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस कि अपने बर्थडे वाले दिन मैं कुछ ऐसा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूँ, और लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड. वी कुडंट रिलीज अ सॉन्ग. और जब मेरा बटरफ्लाई वाले रिलीज हुआ था तो मुझे सब ने ये बोला कि कोविड चल रहा है, पार्टी सॉन्ग है, कोई नहीं सुनेगा इस वक्त, क्लब्स नहीं चल रहे हैं, वेडिंग्स इवेंट्स नहीं हो रहे हैं. सो दिस ईयर आई एम फाइनली एबल टू डू इट थैंक्स टू कमल जी एंड दिग्या म्यूजिक, कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं बर्थडे वाले दिन डबल सेलिब्रेशन का मजा उठा सकूं. कमल जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, क्या प्रेरित किया आपको म्यूजिक बनने के लिए? ये बस काम करते करते मतलब लगा कि मुझे, मेरा पैशन था कि मैं म्यूजिक लेबल करूं या मैं काम करूं इसके अंदर, तो बस इसके लिए हमने ये काम किया. इन्वेस्टमेंट तो दोनों ही जगह होता है, फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप भले ही म्यूजिक इंडस्ट्री में है या किसी भी इंडस्ट्री में, फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. मैं लंदन में काम कर रही थी, वापस इंडिया आके मुझे ऐसा लगा कि द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी. आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन, आई वॉन्ट टू फॉलो, आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे मुझे एक्चुअली में मज़ा आता हो करने में. सो दिस इज़ अ रीज़न वाई आई डिसाइडेड कि टू गेट इन टू बैक इन टू यू नो फील्ड ऑफ मीडिया. During school times, I used to work for beauty pageants. I was Miss India finalist. I was Miss North India winner. But because of the studies and all, I couldn't pursue that further. So after leaving my job in investment banking, I finally decided that I have to get into the field of music. So that's how I did, and I'm actually enjoying it thoroughly. ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगर आपका कोई एक सॉन्ग एक नंबर हिट कर जाता है, अब जैसे साहिल जी का एक सॉन्ग है 52 गज का दामन, जो विच इज़ द हाईएस्ट व्यूड सॉन्ग ऑन यूट्यूब, राइट? तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी थी कि बॉलीवुड हरियाणवी स्टाइल में कैसे उस सॉन्ग को दिखाएं, कि यू नो हमेशा आपको पिछले प्रोजेक्ट से बेटर करना होता है. सो फॉर मी इट वॉज द सेम. मेरा लला लोरी 400 मिलियन क्रॉस कर गया. माई बटरफ्लाई वाले इज़ डूइंग प्रिटी वेल विथ मीत ब्रदर्स. दो हफ्ता पहले करेरा आया था विच इज़ ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल. सो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगला प्रोजेक्ट ऑडियंस को कुछ ऐसा दे जो पहले से अलग हो और बेहतर हो. जी वेल, एक्चुअली पल्लो लटकी इज़ अ फोक वर्ड, राजस्थानी फोक वर्ड, जो कई सारे वर्जन्स आए हैं इस सॉन्ग के. अगर आप यूट्यूब पे पल्लो लटके डालें, सो देर बी लॉट ऑफ वर्जन्स ऑफ दिस सॉन्ग. रिसेंटली अभी एक बॉलीवुड मूवी में भी आया था इसका सॉन्ग, बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इसका कोई रेफरेंस नहीं लिया गया था किसी भी सॉन्ग से. दिस इज़ अ कम्प्लीट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट इन इट्स सेल्फ. और इसमें हमने हमने पल्लो यूज़ नहीं किया, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे याद है शूट के बीच आई वाज टेलिंग साहिल जी, मैं कहा साहिल जी पल्लो लटके सॉन्ग है और पल्लो तो यूज़ ही नहीं किया हमने. कहते हैं ये हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पल्लो लटके में पल्लो नहीं होगा, इट्स कम्प्लीटली अ बॉलीवुड स्टाइल एंड हरियाणवी, जो पहले हरियाणवी इंडस्ट्री को नहीं मिला है, तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली पॉप कुछ भी नहीं था इसमें, जो भी था वेस्टर्न था. हम डालने को डाल सकते थे पल्लो, बट एवरी हरियाणवी सॉन्ग हैविंग पल्लो, घाघरा, दामन एंड ऑल. तो माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट था कि सॉन्ग होगा वो जुड़ा हुआ होगा हरियाणा से कहीं ना कहीं, बट जो वीडियो होगी वो पूरी अलग होगी, वो कहीं उससे जुड़ी नहीं होगी. एक्सपेक्टेशंस तो सबकी बढ़ती है, जैसे कि 1 बिलियन गया मेरा, फास्टेस्ट 1 बिलियन सॉन्ग है 52 गज का दामन. उसके बाद एक्सपेक्टेशन हमारी खुद की बढ़ती है, पब्लिक की बढ़ती है कि नेक्स्ट क्या पता इससे बढ़ा जाए. बट हम कोशिश करते रहते हैं कि हाँ भाई कुछ अच्छा करें, लोगों को कुछ अच्छा दिखाएं, क्योंकि इतना प्यार उसको दिया, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए उसको और प्यार मिले. तो हमारी एक्सपेक्टेशंस तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती अगर अपने आप से पूछा जाए तो, कि क्या एक्सपेक्टेशंस है. हम हर बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ऊपर करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 52 गज का दामन मुकेश जाजी ने लिखा है बेसिकली, उन्होंने और भी गाने दिए हैं मतलब, लेकिन क्या है वो तो पब्लिक का प्यार था जो वो 1 बिलियन गया, तो अब फिर से प्यार पब्लिक कैसे देगी, वो पब्लिक के ऊपर, आप सबके ऊपर है. आप भी खड़े है,
ये अपने लिए अपने लेवल के लिए बहुत अचीवमेंट की बात है कि मतलब दीप्ति मैम हमारे चैनल पे परफॉर्म कर रही हैं और इनके अभी हमारे पास चार प्रोजेक्ट रेडी पड़े हैं जो अभी हम नेक्स्ट छोड़ने वाले हैं। तो वो किस तरह के होंगे? वो भी अल्टीमेट हैं, वो भी बहुत प्यारे सॉन्ग हैं, वो भी हमें भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनके बारे में, बट आने वाले टाइम में आने वाले 2 महीने में दिखाई देंगे दिग्गज म्यूजिक पे आप सबको प्रोजेक्ट्स। और वो प्रॉपर वेस्टर्न और मतलब एक तो हम भूतिया स्टाइल के ऊपर पूरा लेके गए हैं। सो वन इज़ अ हॉरर कॉमेडी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जॉनर हॉरर कॉमेडी। और कमल जी के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, तो सब जानते हैं ही इज़ अ जायंट इन दी लिकर इंडस्ट्री फ्रॉम दिल्ली NCR, पर इनके दिमाग में एक आइडिया था कि क्यों ना म्यूजिक इंडस्ट्री, बिकॉज म्यूजिक इनका पैशन है। सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। और सिर्फ 3 महीने हुए हैं दिग्गज म्यूजिक को स्टार्ट किए हुए एंड ऑलरेडी 8 गाने रिलीज हो चुके हैं और 8 प्रोजेक्ट रेडी है जो शूट होने वाले हैं, जो रिलीज होने वाले हैं। और अभी रिसेंटली एक सॉन्ग आया था राम माफ, जो मेरे ख्याल से हरियाणवी इंडस्ट्री का तो सबसे बड़ा बड़ा लेवल के प्रोजेक्ट है। सो अगर आपने राम माफ नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखें। और उसमें जो मेल लीड है वो कमल जी है, राजा महाराजा स्टाइल है जी। इट वॉज़ अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी एक्चुअली। जब मैं बॉम्बे में नई नई आई थी तो इंस्टेंटली आई गॉट इन टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बट फॉर सम रीज़न मैं थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी करने से थोड़ा सा घबराती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चैनल्स के साथ। तो मैं एपिसोडिक्स करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ और म्यूज़िक वीडियोज़ भी इसलिए करती हूँ क्योंकि इट्स वेरी क्विक, 2 डेज म्यूज़िक इज़ डन, प्रोजेक्ट इज़ डन एंड इट इज़ रिलीज। और मुझे लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ समथिंग इंस्टेंट रिएक्शन इज समथिंग दैट आई ट्रूली इन्जॉय मोर। लाइव कॉन्सर्ट हो गए, स्टेज इवेंट्स हो गए, बट या किसी एक बड़े शो के साथ अगर आप जुड़े तो एक पॉपुलैरिटी मिलती है जो कि आसान होता है आगे के प्रोजेक्ट्स करने में। सर आपसे ये जानना चाहते हैं, गाने को हिट करने के लिए बैकग्राउंड का भी बहुत अहम रोल होता है, उसके लिए क्या किस प्रकार की तैयारी? उसकी तो देखो ये है कि हम मतलब हमने जैसे रिलीज किया है और बाकी का ऑडियंस ही प्यार देगी और उसे हम हर तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी का आप लोगों का प्यार और पब्लिक का प्यार और ऑडियंस का प्यार ही हमें चाहिए। बेसिकली टेक्निकल टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपने पूछा कि हाँ जी मैम, मैं इसका रीज़न दूंगा आपको। पल्लो लटके एक, अगर मैं अपनी लैंग्वेज बताऊँ, एक गीत है, इट्स अ हरियाणवी गीत, हरियाणवी और राजस्थानी गीत। तो इसके राइट्स सबके पास है, मतलब जो ये वर्ड है पल्लो लटके वो कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी रीराइट कर सकता है, कोई भी रिक्रिएट कर सकता है, आप मैं भी कर सकता हूँ, आप में से कोई कर सकता है। तो उस पर कोई कॉपीराइट कंटेंट नहीं है, ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये मैंने नहीं किया, ये कमल भाई ने किया है और कमल भाई ने मुझे गाना सुनाया था कि हमारे पास एक ऐसा ऑडियो है, हम शूट करते हैं। तो बाकी कमल भाई बताएंगे इसके बारे में कि उनको क्यों उन्होंने ये चीज़ की, बताइए सर। यही पल्लो लटके पे एक आता है, जब पल्लो लटके का एक वर्ड आता है तो सबको लगता है कि मतलब साड़ी वाला कॉन्सेप्ट या पल्लो वाला। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा हम वेस्टर्न तरीके से, और पल्लो इसमें यूज ही नहीं करते हैं, तो हमने ये ऐसे क्रिएट करा कि ऑडियंस को कुछ नया लगे। हाँ, ये पता नहीं क्यों ये मेरे साथ आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, अच्छी भी बात है बुरी भी बात है। तो मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं एक ही शो पे 2 साल 3 साल, बिकॉज देयर इज अ स्टैग्नेंसी इन योर क्रिएटिविटी एज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को बिल्कुल एक फ्रीडम होनी चाहिए, जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सके अपने प्रोजेक्ट्स पे, लुक्स पे। तो जैसा कि आपने कहा दैट वर्सेटाइलिटी इज़ ऑलवेज देयर। आप मुझे इंडियन लुक, आपने कई मेरे गाने भी देखे, मैंने मेरा जो पहला सॉन्ग था हरियाणा रोडवेज, दैट वाज अ इंडियन लुक अ सॉन्ग। तो बादशाह के साथ था वो सॉन्ग, उसमें कम्प्लीटली इंडियन लुक में मैं आई थी। और एक और सॉन्ग मैंने किया था अरविंदर खेरा के साथ, विच इज़ टूट जाए, विच इज़ अगेन अ इंडियन लुक, but then I did Lalla Lori with a western look, and this is Indian and western both. If you see, there's Indian looks also, western looks also. तो मेरा ये मानना नहीं है कि आप किसी look से अपनी creativity को दबा सकते हैं, that versatility should always be there as an artist. नहीं तो फिर आप artist नहीं हैं, artist नहीं कहलाएंगे फिर आप। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं नहीं कि आज़ादी में
किसे डेडिकेट? वेल डेडिकेट तो नहीं, बट या आई सबसे पहले जब ये सॉन्ग शूट किया हमने, सबसे पहले जब हमने ये गाने के BTS एंड ऑल दैट, सो आई सेंड इट टू माय मॉम फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सबसे पहले कोई भी गाना मैं करती हूँ उनको, उनसे राय लेती हूँ, उनसे सुझाव लेती हूँ और उनको एक यू नो आशीर्वाद के लिए मैं उनको हमेशा शेयर करती हूँ गाने करने से पहले. सो आई लाइक टू डेडिकेट टू हर. हम नए आर्टिस्टों को भी मौका देना चाहेंगे और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका देना चाहेंगे. और हमारे लेवल पर बहुत अच्छे आर्टिस्ट आने वाले हैं. अभी जो आएंगे हम एक महीने बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन आर्टिस्ट हमारे साथ और जुड़ गया. सबसे पहले थैंक यू सो मच टू आप लोग के ज़रिए अपने ऑडियंस को थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने अब तक के मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया है और मिलियंस ऑफ मिलियंस को क्रॉस कराया है. तो पल्लू लटके को भी उतना ही प्यार दीजिए और इसको 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं बल्कि 500 बावन गज के दामन से भी ऊपर नहीं जा सकते, राइट? 1 बिलियन प्लस लेकर जाए. सॉरी मैं आपके प्रोजेक्ट को कंपटीशन दे रही हूँ. ये भी तो मेरा ही है मैम. तो ये तो मेरी कंपनी का है, बल्कि कमल भाई मेरे भाई है. कमल भाई हम सबके भाई है. कमल भाई इज सच एन अमेजिंग पर्सन. और जैसा कि उन्होंने कहा कि नए टैलेंट को भी चांस देते हैं, ही इज नॉट रिवीलिंग राइट नाउ बिकॉज देयर सम सर्टेन प्रोजेक्ट्स अहेड. तो हाँ, पल्लू लटके को 1 बिलियन क्रॉस कराएं और अपना प्यार दें एंड मेक एज मच रील्स एज यू कैन ऑन इट एंड इस गाने को अपना प्यार जरूर दें. थैंक यू. थैंक यू. खत्म हो गया हो गया हो गया.